और क्लीन बोल्ड। इसीलिए मैं कह रहा था कि ऑफ स्पिनर को लगा है कि बड़ा शॉट खेले आप, उकसाया है आपको। पहली गेंद और उसी में अपनी गिल्लियां बिखरते हुए देख के अब वापस डगआउट जा रहे हैं। तो योहान बोथा को जो गेंद देने का फैसला था जोंटी रोड्स का, पहले ओवर में ही शत प्रतिशत खरा साबित हुआ है। बिना खाता खोले डेविड वापस एक पर एक न्यूजीलैंड लेजेंड्स। और दूसरी कामयाबी योहान बोथा को, रेडमैन वापस जाएंगे। प्रेशर बनाना चाहते थे और बैट पे पूरी तरह से आई नहीं बॉल, पिच तक पहुंच चुके थे पर पूरी अगर जोर से मार देते तो शायद मिड ऑफ को टपा देते। फिलहाल ऐसा नहीं हुआ, और दूसरा विकेट गिर गया। तीन पे गए रेडमैन, 18 पे दो न्यूजीलैंड लेजेंड्स। कितना करीबी मामला है, तीसरी कामयाबी मिल गई है योहान बोथा को। ये देखिए किस तरह से शफल करके आ गए थे और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिल्कुल ऑफ स्टंप की लाइन में, तो सही डिसीजन अंपायर का, आउट देना चाहिए था और दिया गया। योहान बोथा ने तो कमर तोड़ दी है साउथ अफ्रीका की बैटिंग की। स्टार बैट्समैन रॉस टेलर अब वापस पवेलियन में, 26-3 न्यूजीलैंड। ये बैट का ग्रिप लगता है फिर से ये विकेट गिर गया है, यहां पर बोल्ड हो गए, ये बैट का भीतरी किनारा लगा और बोल्ड हो गए, तो इस तरह ये चौथा विकेट गिर गया है न्यूजीलैंड का और गहरे संकट में फंस गई है। बोथा ने कमाल कर दिया है दक्षिण अफ्रीका लेजेंड्स के लिए। बैट का अंदरूनी हिस्सा लगकर बॉल विकेट्स पर लगी और ये चौथी विकेट दिलाई उन्होंने, सो बहुत बढ़िया कैप्टेंसी कहना होगा जॉन्टी रोड्स द्वारा, क्योंकि उनको पता है कि विकेट्स लेके दे रहे हैं और 20 ओवर्स की क्रिकेट में अगर आप लगातार अंतराल पर विकेट्स लेते रहे तो ये हालत हो जाती है टीम की। एक रन बनाया ब्रूम ने 35 पर 4।